तो इसराइल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को जितना संभव हो उतना अधिक व्यापक होना चाहिए। इसराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री एमके नीर बरकत ने मंगलवार को यह बात कही। इससे क्या होगा भारत का फायदा, देखते हैं अंदर की बात में। इसराइल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को जितना संभव हो उतना अधिक व्यापक होना चाहिए। इसराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री एमके नीर बरकत ने मंगलवार को यह बात कही। मंत्री ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच एफटीए के संबंध में भारतीय पक्ष के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए एक दशक से अधिक समय से बातचीत जारी है। बरकत ने उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, मैं आपके मंत्री के समक्ष मुक्त व्यापार समझौते का स्वाभाविक रूप से विस्तार करने, कौशलपूर्ण ढंग से कारोबार का विकास करने और ज्ञान और अनुभव को जितना संभव हो उतना साझा करने का प्रस्ताव करूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता के लिए पूरक क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, जहां भारत और इसराइल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रखते हैं। बरकत ने कहा कि अधिक से अधिक व्यापार के लिए इसे जितना संभव हो उतना व्यापक होना चाहिए, क्योंकि मुक्त व्यापार लोगों को आपस में जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।